So let's see these two questions first. Example 7. Calculate the capacitance of capacitor filled with two dielectrics of the same dimensions but of different dielectric constant K1 and K2 respectively. अब यही वाला बात मैंने आपको बताया था. केस ए में आपके पास कैसे फिल्ड अप है आपको पता है. देख लो, आपके पास केस ए मतलब ये वाला सिचुएशन है. पहले ए वाला बताते हैं. केस ए ऐसा सिचुएशन है, आपके पास यहाँ पर एक कैपेसिटर प्लेट्स है एंड के वन एंड के टू ऐसे फिल्ड अप है. तो आपको क्या लगता है ये कैसा कनेक्शन है? सीरीज कनेक्शन है कि पैरेलल कनेक्शन है? पैरेलल है ये वाला. तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऐसे बीच में से काट सकते हैं, ये बीच में से कट गया और इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम आपके पास क्या बन गया, C1 और नीचे में क्या है, C2, राइट. अब बोल दिया डायमेंशन सेम है, तो C1 ए मतलब ऊपर भी आधा है, ये वाला पार्ट a/2, ये वाला पार्ट भी a/2, ऐसा सवाल बोला है. डायमेंशन सबका सेम है तो C1 की वैल्यू हो गई ए के वन एप्सिलॉन नॉट बाय टू डी एंड C2 की वैल्यू हो गई ए के टू एप्सिलॉन नॉट बाय टू डी. क्योंकि पैरेलल में है तो सी इक्विवेलेंट इक्वल C1 प्लस C2 विच इज a/2 एप्सिलॉन नॉट बाय डी मल्टीप्लाइड बाय K1 प्लस K2. देखो इतना ही सिंपल है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. नाउ केस बी आपको किस में लग रहा है, सीरीज के पैरेलल? देख कर ही पता चल जाता है कि केस बी आपके पास किस में है, सीरीज में है. केस बी देख लो, आपके पास डाइलेक्ट्रिक पूरा फुली फिल्ड है, इस तरीके से लगाया गया है, एक ये रहा डाइलेक्ट्रिक, एक ये रहा, फुली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक लगाया गया, ये आपके पास के वन एंड ये वाला के टू, राइट. तो ये आपके पास टोटल हो गया, ये हो गया d/2, ये भी हो गया d/2. तो ये इक्विवेलेंट कनेक्शन इसका क्या है, C1 इन सीरीज विथ C2. तो यहाँ पर C1 की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, a पूरा का पूरा है एप्सिलॉन नॉट K1 बाय d/2 और C2 की वैल्यू भी सेम हो जाएगी 2a एप्सिलॉन नॉट K2 बाय d/2. तो 1/c इक्विवेलेंट, यहाँ पर एक चीज शायद मैंने मिस्टेक कर दी है, ये C2 है, ठीक है. 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स 1/c1 प्लस 1/c2. नाउ ये वाला पार्ट पुट करके देख लो, दैट इज d/2a एप्सिलॉन नॉट K1 प्लस d/2a एप्सिलॉन नॉट K2. सो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 2a एप्सिलॉन नॉट बाय डी 1/K1 प्लस 1/K2. निकाल लो वैल्यू K1 और K2 की अगर दी गई हो. तो मेरे ख्याल से ये वाले क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट नहीं होंगे अगर डाइलेक्ट्रिक डाल दी गई है. कैसे डाली है आपको देखकर बस निकालना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसका सॉल्यूशन बहुत सारे बुक में गलत दिया हुआ है, बट माइदर सर ने जो बुक लिखी है उसमें उसका सॉल्यूशन परफेक्ट दिया हुआ है, राइट. बहुत सारे बुक्स में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत दिया हुआ है. इनफैक्ट जिस बुक से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है उसमें भी इसका सॉल्यूशन गलत दिया हुआ है. सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग थ्री डिफरेंट डायलैक्ट्रिक मटेरियल्स एज शोन इन द फिगर. द पैरेलल प्लेट्स अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड आर ऑफ एरिया ए एंड आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस टी, ठीक है. फाइंड द कैपेसिटेंस अक्रॉस ए एंड बी. चलो अब ऐसे सिनेरियो में मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये बात समझ में आना चाहिए जो बोल रहा हूँ. पूरा डिटेल समझाता हूँ, समझना क्यों गलत दिया हुआ है, बहुत लोगों ने क्या किया हुआ है. मैं आपको पहले करेक्ट कंसेप्ट समझाता हूँ, फिर रॉन्ग कंसेप्ट भी बताता हूँ.
बहुत लोग क्या सोच रहे होंगे वो पहले बताते हैं, पहले रॉन्ग कंसेप्ट बताते हैं, फिर करेक्ट करेंगे कंसेप्ट को। तो पहले प्लेट्स बना लेते हैं। इस तरीके का है ना ये, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2K, 4K एंड K। अभी बहुत लोग क्या सोच रहे होंगे, सर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कुछ ऐसे है, ये जो इसका नाम दे देते हैं, नेमिंग कर देते हैं 1, 2, 3। बहुत लोग सोच रहे होंगे सर 1, 2 सीरीज पैरेलल में है, जो है 3 उसके साथ सीरीज में है, मतलब ऐसा ऐसा कर दीजिए। अभी तक ऐसा सोच रहे होंगे राइट, ये वाला रॉन्ग कंसेप्ट है। बहुत सारे बुक में ये दिया गया है पर ये कंसेप्ट रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो चार्जेस डेवलप होगा इधर इस सेक्शन में, सेक्शन को डिवाइड करो, यहाँ पर जो चार्जेस डेवलप होगा ये होगा अलग डेवलप होगा, इस सेक्शन में टोटल चार्ज अलग डेवलप होगा। मतलब अगर ये Q1 है, इधर -Q1 डेवलप होगा, इस सेक्शन में चार्जेस अलग डेवलप होगा। मतलब ये Q2 है, ये हो जाएगा -Q2। मतलब यहाँ पर भी चार्जेस अलग अलग डेवलप होंगे, इधर इधर ये मैं यहाँ प्लस साइन गलत दे दिया। यहाँ पर भी अलग अलग चार्जेस डेवलप होंगे, माइनस प्लस फिर इधर माइनस प्लस राइट, इधर चार्जेस भी अलग अलग डेवलप होंगे, आपके पास सेम डेवलप नहीं होंगे। तो ये स्टोरी कैसा है मैं आपको बताता हूँ। ये आपके पास गलत कंसेप्ट था, करेक्ट कंसेप्ट इसका क्या है देखो, राइट कंसेप्ट। यहाँ पर क्या है, डायग्राम को फिर से मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। और ये जो ग्रीन है, अब ये ग्रीन एक पार्ट में नहीं, दो पार्ट में आएगा, ऐसा ऊपर के लिए अलग और नीचे के लिए अलग, ऐसा। अभी एक कैपेसिटर नहीं है, हाँ माना कि इसका कैपेसिटेंस ऊपर में जो है सेम है 2K 4K। अब आप यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, इसका सर्किट डायग्राम इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम क्या होगा, ऐसा। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ऐसा, C1, C3 एंड C2, C4 ऐसा होगा। अब सारी वैल्यूज आपको पता है, C1 इक्वल्स A ε₀, A/2 ε₀ K2K/d/2, दैट इज A ε₀, 2A ε₀ K/d। C2 सेम A ε₀, 4K/d/2, दैट इज 4A ε₀ K/d। और C3 और C4 तो सेम ही होगा, C3 की वैल्यू सेम A ε₀ K/d,
दैट इज ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी, एंड सी फोर की वैल्यू सेम ए एप्सिलॉन नॉट के डी बाई टू, दैट इज ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी। अब आप इसको सॉल्व करेंगे जिसमें सी वन एंड सी थ्री किस में है, सीरीज में है, सी टू एंड सी फोर भी सीरीज में है, और जो आंसर आया एक दूसरे को पैरेलल में, तब जाके कंसेप्ट आपके पास सही बनता है। ये रॉन्ग कंसेप्ट है, बहुत सारे बुक में ऐसा होता है कि बोल देंगे क्यों नहीं हो सकता, ये सीरीज़ में क्यों नहीं हो सकता, सीरीज़ में होता, समझो ज़रा, अगर सीरीज़ में होता तो चार्जेस सेम होते, यहाँ पर टोटल चार्ज को सेम होना मांगता है पूरा प्लेट में, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैंने ये प्रूव किया है यहाँ पर, इस प्लेट पे हर एक पॉइंट पे चार्ज आपके पास सेम नहीं है। अगर पूरे प्लेट पे चार्ज आपके पास सेम होता तो आंसर आपके पास ये होता। तो ये रॉन्ग कंसेप्ट है, करेक्ट कंसेप्ट ये वाला है, बहुत सारे बुक में मिलेंगे। काइंडली फॉलो दिस।